Hi everyone, welcome to Adda School. So basically here we are covering our chapter, and the name of the chapter is the third level, which has been taken from the book Vistas. Okay, so students, we have covered already part first and part second of this story, and the story is written by Jack Finney. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? चार्ली नाम का एक बंदा है जो कि एक मेंटल इश्यू से सफर कर रहा है, दैट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, राइट? सो उसका दोस्त साइकियाट्रिस्ट है, और जिसका नाम सैम है, वो उसे बताता है कि ये अक्सर लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी दर्द भरी जिंदगी से बच करके किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, और चार्ली भी उनमें से एक है. तो चार्ली खैर इस जगह पर पहुंच गया, वो हमें अपनी कहानी सुना रहा है. वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक कॉरिडोर पकड़ता हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चला गया है जो एग्जिस्ट नहीं करती. जब वो थर्ड लेवल पर जाता है तो उसे वो सेकंड लेवल के जैसे ही लगती है, लेकिन कुछ डिफरेंस दिखाई देता है, राइट? वो डिफरेंसेस में क्या है? उसको जो बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ होता है, वो वुडन दिखाई देता है, ब्रास के स्पिटून्स पड़े हुए दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं जो ओल्ड फैशन ड्रेसेस पहने हुए होते हैं, फिर उसको एक इंजन दिखाई देता है पुराने जमाने का ट्रेन का. तो उसे बड़ा ही व्यूअर से लगता है कि वो ये कहां पर आ गया है. तो वो चेक करता है, तो एक जगह पर उसे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ मिलता है जहां पर उसको पता चलता है कि दिस इज द टाइम ऑफ 18th और 19th सेंचुरी. सो ही केम टू नो दैट कि वो एक ऐसे समय में आ गया है जो उसका पास्ट है, राइट? और फिर उसे तुरंत याद आता है कि अरे वाह, उसको तो कहाँ जाना है, गिल्सबर्ग जाना है. गिल्सबर्ग एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे उसको बहुत अच्छा पीस मिल सकता है. सो ही वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर. तो अब वो क्या करेगा, वो अपनी और अपनी वाइफ के लिए टिकट खरीदेगा और वो गिल्सबर्ग जाएगा जहाँ पर उसके दादाजी रहा करते थे, राइट? सो विद दिस वी हैव एंडेड द स्टोरी, नाउ विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूइंग. आगे क्या होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे. सो आई होप एवरीबडी इज रेडी फॉर द सेशन, राइट? हाई पप्पू, हाई कनक, हाई हिमांशु, हाई एवरीबडी. Welcome everyone. So now today we are covering part third. Here also we'll come all the hard words, है ना? सारे के सारे hard words हम लोग पढ़ेंगे. इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे की story को भी continue करेंगे. So एक बार फटाफट सभी लोग मुझे comment section में answer करके बता देंगे कि आप सभी लोग ready हैं session के लिए. एक बार ही बता दे जल्दी से फटाफट, ready हैं सभी session के लिए? All, किसी को कोई issue, confusion, कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, right? तो इधर मैंने किया अपना phone silent और इधर मैंने start किया ये session. अब आगे की story continue कुछ इस तरीके से होगी. यहाँ पे आप पढ़ोगे the clerk figured the fare, ठीक है? ये क्या करता है, ये जाता है इन्फॉर्मेशन बूथ पे पता करने के लिए कि भैया मुझे गिल्सबर्ग जाना है, मुझे गिल्सबर्ग का टिकट दे दो. सो ही वॉज लाइक चलो ठीक है, क्लर्क के पास जाते हैं, क्लर्क के पास जाकर के टिकट ले लेंगे. तो जब क्लर्क के पास ये टिकट मांगने के लिए जाता है तो क्लर्क कहता है भैया पैसे तो दो, बिना पैसे के कैसे तुमको गिल्सबर्ग की टिकट दे दें. ही ग्लांस एट माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर. अब जो क्लर्क था उसने मेरी टोपी की तरफ देखा, उसने मेरी हैट की तरफ देखा जो कि फैंसी बैंड के साथ थी, एंड ही वाज लाइक, वो मुझे ग्लांस कर रहा था, मुझे घूर रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा, हाँ ये बंदा यहां का तो नहीं लग रहा, कहीं और से आया हुआ लग रहा है, क्योंकि आजकल के फैशन में तो ये चलता ही नहीं. यानी कि 18th सेंचुरी वालों को 20th सेंचुरी वालों की हाव भाव, हुलिया, पहनावा क्या पता, राइट? एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स. अब चार्ली कहता है कि खैर उसने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने देखा जरूर लेकिन ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे बोला चलो पैसे निकालो गिल्सबर्ग जाने के लिए. अब चार्ली कहता है आई वाज सैटिस्फाइड, मेरे पास इतने पैसे तो थे कि मैं गिल्सबर्ग जा सकता था, टू कोच टिकट्स तो थे उसके पास वन वे, एक रास्ते के लिए. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप एंड द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, जब मैं पैसे निकाल रहा था, पैसे निकाल करके काउंट कर रहा था उसको देने के लिए, तो मेरी तरफ बहुत गंदी निगाहों से, मतलब बहुत गुस्से वाली निगाहों से क्लर्क देख रहा था. ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे खाने वाला है, जैसे मैं कोई जुर्म कर रहा हूं, जैसे मैं कोई क्राइम कर रहा हूं. He nodded at the bills. उसने ऐसे ऐसे करके सर हिलाया, कहता अच्छा तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो. बेवकूफ क्यों बना रहे हो? चार्ली के पास कौन से नोट्स हैं, 20th सेंचुरी के नोट्स, और ये क्लर्क कौन सी सेंचुरी का, 18th सेंचुरी का. तो बड़ ऑब्वियस सी चीज है, 18th सेंचुरी में 20th सेंचुरी के नोट नहीं चलते. गॉट इट? नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार. स्किन का मतलब है चीट करने की कोशिश कर रहे हो. तो वो कहता है इसे तुम पैसा कह रहे हो, ये पैसा वैसा नहीं है, मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, राइट? सो ही वॉज ट्राइंग टू से दैट कि उसे पता है
कि चार्ली उसे बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पर तो इस तरह के नोट चलते नहीं है, तो इस तरह के नोट दिखा करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और फिर उसके बगल में एक कैश ड्रॉअर थी जहां पर वो पैसे रखता था, उसने उन नोटों की तरफ घूर करके देखा जो उसके समय पर चलते थे। राइट, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता था वो 18 सेंचुरी की या 18वीं सेंचुरी के नोट थे, वो ऐसे 20 सेंचुरी के नोट नहीं थे, बहुत अलग थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, लगभग अगर हमारे यहाँ इतने नोट चलते होंगे तो इसका और आधा बढ़ा दो, इतने बड़े बड़े नोट थे वो। एज बिग एज द मनी, राइट, और थोड़े से अलग दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा, इससे पहले कि वो मुझे जेल भेजता मैं तेजी से भागता हुआ निकल गया वहां से। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, ही वाज लाइक मैं 1894 I can't bear this. इस सेंचुरी में मुझे कोई जेल भेज दे तो मुझे निकालने के लिए कौन आएगा, मेरी इस सेंचुरी में बैठी हुई है। It's gonna be so humiliating अगर मैं इस सेंचुरी की जेल में जाऊँ। So I hope students इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चार्ली सपने तो बहुत बड़े बड़े मजेदार देख रहा है कि वो गेल्सबर्ग जाएगा, लेकिन यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि जो नोट उसके पास कुछ भी काम नहीं आने वाले, अगर उसने इस नोट को किसी को दिया तो पक्का उसे जेल भेज दिया जाएगा। से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन, जल्दी से कमेंट सेक्शन लिखना, यस मैम दिस मच इज पॉसिबल टू मी। ओके, यहां तक लिखेंगे यस मैम दिस मच इज पॉसिबल टू मी प्लीज। हां डेफिनेटली डियर, मैं ये कर ही रही हूं, हर चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूं तो जरूर करवाऊंगी, आप परेशान मत हो। सत श्री अकाल अयांश, हाउ आर यू? I was there. I hadn't taken the session only yet. Baki to my class. Voice का issue आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, मुझे comment section में answer करके बता दें। मेरी आवाज क्लियर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मैं देख लेती हूँ एक बारी, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही बेटा। एक बार सभी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना मेरी आवाज। आ तो रही है बेटा, देखो आ रही है मेरी आवाज क्लियर नहीं है, आ रही है? ठीक है चल। So I hope this is quite clear to everyone, guys. Now, before moving ahead, I would ask one question, and I know everybody is able to give me the answer also. And my question is, Charlie asked for the ticket of Gettysburg. गेल्सबर्ग जाने के लिए चार्ली जो टिकट्स मांग रहा है वो किससे मांग रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर करके बताओ किससे मांग रहा है वो। कैन यू आंसर? हाय त्रिशा, गुड। ओनली कनक इज गिविंग द आंसर अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ही वाज आस्किंग फॉर द टिकट ऑफ गेल्सबर्ग फ्रॉम द क्लर्क, वो क्लर्क से मांग रहा था। किसे मांग रहा था? क्लर्क से। ठीक है, अच्छा मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ कैन यू डिफाइन दैट द 18th सेंचुरी नोट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द 20th सेंचुरी नोट? 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के नोट्स में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रही हूँ, हाफ एज स्मॉल एज
चार्ली या फिर हाफ एज बिग एज चार्ली? हाफ एज स्मॉल एज चार्ली या हाफ एज बिग एज चार्ली? बताइए जल्दी से. साउंड नहीं आ रही है. हाफ आ रही है बेटा, देखो. हाफ एज स्मॉल एज चार्ली या हाफ एज बिग एज चार्ली? आ रही है बेटू. नहीं नहीं कुलदीप, मैं क्यों इग्नोर करूंगी आपको बेटा. नो, हाफ एज बिग एज चार्ली. देखो जरा ये देखो. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज. तो नाउ अ डेज कौन यूज कर रहा है? नोट चार्ली यूज कर रहा है. ठीक है, तो वो बड़े थे, छोटे नहीं थे. सो आई वुड गो विद द आंसर विच इज द सेकेंड वन. ओके चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है दैट वाज दैट. थैंक गॉड मैं वहां से निकल आया, नहीं तो दिक्कत हो जाती भाई. दिल में रहना कोई डिफिकल्ट टास्क. आई लिव द सेम वे आई केम. मैं जैसे गया था वैसे ही मैं वापस आ गया. मैं वहां रुका नहीं. आई सपोज, जहां तक मुझे लगता है, तो मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया. नेक्स्ट डे, अगले दिन. अब देखो चार्ली का कहना क्या है ना कि आखिर 18 सेंचुरी के दूरी जाने के बाद चार्ली वापस कैसे आया होगा, चार्ली रिटर्न हुआ होगा. तो जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस आ गया, ऐसा वो उम्मीद कर रहा है, सपोज कर रहा है. इट्स नॉट लाइक डेफिनेटली, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस भी आ गया. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 18 सेंचुरी में जाने के बाद चार्ली वॉज एबल टू 20 सेंचुरी, यस ही वॉज एबल टू. एंड हाउ? सो यू वुड से दैट इन द सेम वे एज ही वेंट देयर, सेम तरीके से जैसे वो वहां पे गया था वैसे ही वो वापस भी आ गया. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच आवर के टाइम पे आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड. कहता है मैंने $300 निकाले अब निकाले, और लगभग वो बता रहा है कि जितने मेरे अकाउंट में थे मैंने सारे पैसे निकाल लिए थे. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और फिर मैंने पुराने. दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जो बहुत ही चिंतित कर किसको, मेरे दोस्त को, जो मेरा दोस्त ठीक है सैम. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. तुम पुराना पैसा खरीद सकते हो किसी भी कॉइन डीलर से, लेकिन तुमको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम बोल रहे हैं. $300 व्हाट इज $200 इन ओल्ड करेंसी बिल. $300 थे ना उसको मैंने ओल्ड करेंसी करवाया ना, तो वो 200 के बराबर हो गए, यानी कि लगभग लगभग $100 के आसपास का उसको नुकसान हुआ. बट आई डेंट केयर एग्स वर्थ 13 सेंट अ डजन इन 1994. लेकिन इसकी चिंता नहीं थी क्योंकि वहां पर, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जो 18 सेंचुरी है वहां पर सारी चीजें बहुत सस्ती हैं. तो अगर मेरे पास $200 भी होंगे अभी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां पर सब कुछ बहुत सस्ता है. और सस्ता बताने के लिए उसने एग्जाम्पल क्या दिया, एग्स वर्थ 13 सेंट्स. सेंट समझते हो, जैसे हमारे यहाँ 1 rupee इक्वल्स टू 100 पैसा होता है ना, वैसे यूएस में $1 इज इक्वल्स टू 100 सेंट्स होते हैं. अब आप समझे कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है. मतलब आप ये मान के चलो अगर आपने 13 सेंट पे किए ना, तो आप 12 अंडे खरीद सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट दिस, कितना सस्ता है सब कुछ 18 सेंचुरी. सो 18 सेंचुरी में चीजें सस्ती दिखाने के लिए चार्ली किस चीज का एग्जाम्पल देता है, एग्स का. और एग्स को कितने रुपए दर्जन बताता है, 13 सेंट पर दर्जन बताता है, यानी कि 13 पैसे के 12 अंडे मिल जाते हैं. सो डोंट यू थिंक सो 18 सेंचुरी इज क्वाइट सस्ता, और $200 में वो पता नहीं कितनी चीजें खर्च कर सकता है. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू everyone, गाइस. जस्ट लेट मी नो इज दिस मच पैल्पेबल टू everybody. फिर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है. गाइस वॉइस प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग. पता नहीं कितनी चीजें खर्च कर सकता है. So I hope this is quite clear to everyone, guys. Voice issue नहीं आ रहा, मैं फोन में चेक कर रही हूँ बेटा. Okay.
क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं मैं मुड़ रही हूँ तो इशू आ रहा है। अभी ठीक है? एक मिनट रुकना, मैं किसी को बुलाती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आया जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताना एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में। जो मैंने पढ़ाया अभी तक आप लोगों को समझ में आया, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये आंसर करके बताओ। जो थोड़ा बहुत मैं बोल रही थी वो क्लियर हो रहा था, थोड़ी बहुत भी आवाज आई आप लोगों को? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि जब चार्ली कहाँ गया, 18th सेंचुरी में गया, तो वो गेल्सबर्ग के टिकट खरीद रहा था, लेकिन टिकट खरीदने के टाइम पर क्लर्क ने उसको कुछ इस तरीके से घूरा वो नई करेंसी निकालने पर, जैसे कि मानो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हो और वो उसको जेल में डाल देगा। तो चार्ली जेल नहीं जाना चाहता था, वो भी 18th सेंचुरी की, क्योंकि वहां पर उसका कोई जानने वाला नहीं था, राइट? तो चार्ली क्या करता है, भाग जाता है, वहां से निकल जाता है और वो उसी रास्ते से वापस 20th सेंचुरी आता है जहां से वो गया था। वो ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसको श्योरिटी ही नहीं है, बट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि वो सेम रास्ते से वापस आया। नाउ Now what is happening over here? अब चार्ली क्या करता है, अगले दिन वो सुबह उठता है 20th सेंचुरी में, अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है। वो बताता है उसके बैंक अकाउंट में $30 थे। वो जाता है चेंज करवाता है। अब उसका दोस्त इस बात से खुश नहीं है क्योंकि वो नुकसान झेल रहा है। उसका दोस्त कहता है कि तुम नुकसान उठाओगे अगर तुम ओल्ड करेंसी में अपने पैसे चेंज करवाओगे तो। सो चार्ली जाता है, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेंज करवा लूंगा। अब चार्ली चेंज करवाता है। स्टूडेंट्स अभी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? स्टूडेंट्स आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? आ रही है, कह रहे आ रही है। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, चल, ओके, ग्रेट, है ना। तो अभी आप लोग को याद रखना है कि $300 वो अपने बैंक से निकालता है और उसके अकाउंट का मतलब वो सब कुछ खाली कर देता है। फिर वो उसको ओल्ड करेंसी में चेंज करवाता है जो 200 के आसपास पड़ता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए 200 भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि अगर मैं 18th सेंचुरी में जाऊंगा तो वहां पे सब कुछ बहुत सस्ता है। और सस्ते होने के लिए, सस्ता दिखाने के लिए वो एग्जाम्पल देता है अंडों का। कहता है 13 सेंट्स के कितने अंडे मिल जाते हैं, एक दर्जन अंडे मिल जाते हैं, और एक सेंट इज इक्वल्स टू, आप ऐसे बोल सकते हो, $1/$100, या आप ये बोल सकते हो कि $1 में 100 सेंट आ जाते हैं। जैसे कि ₹1 में 100 पैसे आते हैं ना, वैसे ही $1 में 100 सेंट्स आते हैं। तो सोचो आप वो कितने कितने सारे पैसे इकट्ठा करके वहां पे खर्च कर सकता है। सो अभी आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। अब मैं आगे चलूंगी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है? मेरा पहला सवाल आप लोगों के लिए ये, फटाफट आंसर करके बताना, चार्ली ने अपने अकाउंट से ऑल टोटल कितने पैसे निकाल लिए, लगभग पूरी उसकी जो भी सेविंग्स थी सब कितने पैसे निकाले थे, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। हाँ मैं जानती हूँ बेटा,
हाँ कुलदीप, यस आई नो डियर, बताओ जल्दी से। 300, ओके। जितेंद्र इज गिविंग मी द आंसर, कनक इज गिविंग मी द आंसर, जानकी आई नो एवरीबडी, रेगुलर बेसिस पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरी क्लास में, मैं सबको जानती हूँ। $300। अच्छा मुझे ये बताओ, चार्ली ने बताया कि 18th सेंचुरी में सब कुछ बहुत सस्ता है, और उसके लिए उसने एक एग्जाम्पल लिया है। कैन यू टेल मी कि उसने विच ग्रोसरी आइटम का नेम लिया है, और उसको एक दर्जन कितने रुपए में मिलती है वो बताया है। एक दर्जन ग्रोसरी कितने में मिलती है, वो कौन सी ग्रोसरी है, और वन डजन में कितना आता है, उसने क्या बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड, $300 इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल में उसने कौन सी ग्रोसरी ली है और एक दर्जन कितने की मिल जाएगी वो भी आपको बताना है। वेरी गुड, कनक का आंसर आ चुका है मेरे पास। वेरी गुड, वन डजन इज इक्वल्स टू 13 सेंट्स में आपको वन डजन एग्स मिल जाएंगे। सोचो कितना सस्ता था होटल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को। अब हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड्स टू द थर्ड लेवल। अब बताओ चार्ली ने कितनी बड़ी बेवकूफी करी, उसने नए नोट्स को पुराने नोट्स में चेंज करवा लिया, लेकिन बेचारा ढूंढता रहा वो रास्ता जहां से वो कहां पहुंच जाए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन उसे वो रास्ता मिला ही नहीं। ठीक है, although I have tried often enough, वो कहता है अक्सर मैं उसको ट्राई करता रहा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लूसा वॉज प्रिटी वरिड, प्रिटी वरिड मतलब ऑलमोस्ट वरिड। अब लूसा को मेरी चिंता सताने लगी थी। When I told her all this, जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया, and didn't want me to look for the third level anymore. अब लूसा नहीं चाहती थी कि मैं और ज्यादा थर्ड लेवल को सर्च करूं। And after a while I stopped, और मैं कुछ समय बाद उसको सर्च करना बंद भी कर चुका था। I went back to my stamps, और फिर मैंने अपनी हॉबी स्टार्ट कर दी थी, अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। कहते हैं लेकिन अचानक से हम लोग को एक प्रमाण मिला, एक रियलिटी पता चली कि नहीं थर्ड लेवल एग्जिस्ट करती है, और फिर हम लोगों ने हर वीकेंड पे जब हमें छुट्टी मिलती थी हम उसको सर्च करने के लिए निकल जाते थे। वो प्रमाण क्या था वो आपको पता चलेगा। माय फ्रेंड सैम विनर जो साइकियाट्रिस्ट है डिसअपीयर्ड, वो गायब हो चुका था। नोबडी न्यू वेयर, पता नहीं कहां, किसी को नहीं पता, लेकिन वो गायब था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। तो कहता है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा संदेह है, आई एम डाउटफुल अबाउट दैट, कि जो सैम है वो भी कहां पहुंच गया है, गेल्सबर्ग। क्यों? क्योंकि जो सैम है जो कि एक सिटी बॉय है, अक्सर मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था कि मैं स्कूल जाया करता था, और वो हमेशा मेरी बातों को सुनता था, उसे वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आती थी, बहुत अच्छी लगती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। मुझे पता है सैम कहीं और नहीं बल्कि यहीं गया हुआ है 1894 में। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, सैम इज नोवेयर, सैम डिसअपीयर हो चुका है, सैम गायब हो चुका है, और सैम की कहां होने का एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मुझे पता है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि सैम भी परेशान है अपनी एक्चुअल लाइफ से, वो भी सिटी में रहना नहीं चाहता, वो भी डिप्रेस्ड है, और वो भी एक सुकून की जगह ढूंढ रहा है। शायद वो भी मेरी तरह कहीं ना कहीं 1894 में पहुंच गया है, और वो अभी गेल्सबर्ग में रह रहा है। आई एम श्योर अबाउट दिस। तो आप समझ रहे हो, चार्ल्स जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढता है, उसे थर्ड लेवल नहीं मिलती, वो लूसा को सब कुछ बताता है, लूसा उसे मना करती है, लेकिन उसके बावजूद फिर ऑल ऑफ द सडन एक ऐसी चीज होती है जिससे लूसा और चार्ली दोनों मिलकर के थर्ड लेवल को ढूंढते हैं, वो भी हर वीकेंड पे जब उन्हें छुट्टी मिलती है। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका दोस्त जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है जिसका नाम सैम है, वो भी गायब हो चुका है। और उसका प्रमाण इन लोगों को कहां पे मिला, इसको याद आता है कि मैंने उसको गिल्सबर्ग के बारे में काफी कुछ बताया है और वो गायब है, तो डेफिनेटली वो वहीं गया होगा। अब मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी? यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? जानकी, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ आप आते थे क्लास में बेटा, 9th में पढ़े थे आप मेरे से, मुझे पता है। नो इश्यूज जानकी, विल सून बी टुगेदर। जब आप 11th में आओगे तो आप मेरे से पढ़ोगे, ओके?
ग्रेट, हिमांशु ने ये बोल दिया मैम, क्लियर हो गया। कुलदीप आपको समझ में आ गया बेटा? कनक आपको समझ में आ गया? ग्रेट, कैन आई आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर चेंजिंग द न्यू नोट्स इनटू द ओल्ड वन, वाज चार्ली एबल टू फाइंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन? क्या चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन ढूंढ पाया या नहीं? जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ एवरीबडी। सो स्वीट ऑफ यू जानकी। क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल चार्ली फिर से ढूंढ पाया? 1894 में जाने का कॉरिडोर से फिर से मिला, यस और नो? अच्छा, दैट्स ग्रेट जानकी, सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स ग्रेट। नहीं ढूंढ पाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो अपनी सारी परेशानी सारी चिंता किसको बताता है? और चार्ली के साथ साथ वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो चार्ली के लिए कौन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है? यहाँ पर क्या मेंशन किया गया लास्ट पैराग्राफ में बताओ एवरीबडी। नाउ हु इज वरीड फॉर चार्ली अबाउट द थर्ड लेवल? लूसा, और लूसा कौन है? चार्ली की वाइफ है। अच्छा मुझे ये बताओ, नाउ हु इज डिसअपीयर्ड एंड चार्ली सस्पेक्टेड हिम दैट ही इज आल्सो इन 1894, राइट? अभी कौन गायब हो गया है और चार्ली ने सस्पेक्ट किया है कि वो कहीं और नहीं बल्कि 1894 में है और गेल्सबर्ग में है? या लूसा वाज प्रिटी वरीड, प्रिटी का मतलब ऑलमोस्ट। अभी गायब कौन हो चुका है और चार्ली को क्या लग रहा है कि वो कहां गया है 1894 में? सैम गायब हो गया, और सैम कौन है? सैम एक साइकियाट्रिस्ट भी है और चार्ली का फ्रेंड भी है। नाउ विल मूव अहेड बिकॉज अब देखो ये सब ये बता रहा है, इसको कैसे पता चला ये सब कि वो 1894 में है और ऐसा क्या क्या हुआ, राइट? सो ही वाज सेइंग दैट बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माय स्टैम्प कलेक्शन फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? अब यहां पर चार्ली आपको कुछ बता रहे हैं, ध्यान से उसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ली कहता है क्योंकि एक बार मैं जब अपनी थोड़ा सा मेस्ड अप हो रखा था स्टैम्प कलेक्शन के साथ कि कहां कैसे क्या मैनेज करना है, क्या मेरी चीजें कहां गई, सो ही वाज जस्ट सर्चिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो वो यहां पर आते आते एक जगह पर रुक जाता है और फिर वो बताता है, क्या आप लोगों को फर्स्ट डे कवर के बारे में पता है? लेट मी टेल यू, वेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ये लिख देना, जब पहली बार कोई भी नया स्टैम्प इशू किया जाता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर होता है, जो भी स्टैम्प लेता है, बाय सम वो कुछ खरीद लेता है, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और जो पहला दिन होता है फर्स्ट डे उसका, उस दिन वो उसको खरीद करके उसमें खाली एनवेलप डाल करके कहां पोस्ट कर देता है, अभी आपको ये पता चलेगा, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, दे आर नेवर ओपन्ड एंड जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। तो अब इस फर्स्ट डे कवर में क्या होता है, एक खाली लिफाफा होता है, खाली लिफाफा, ठीक है, और ये खाली लिफाफा पहले ही दिन उसी डेट पर जो लोग होते हैं वो अपने अपने घर पर पोस्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये जो डेट होती है ना ये फिक्स्ड हो जाती है इसकी कि ये इस दिन इशू हुआ था, तो दिस इज ओनली फर्स्ट डे कवर। अगर आपसे कोई फर्स्ट डे कवर पूछे कि फर्स्ट डे कवर क्या है, तो आप बोल देना कि कोई भी अगर स्टैम्प पहले दिन इशू होता है तो लोग उसे क्या करते हैं, खाली एनवेलप के साथ अपने घर पर पोस्ट कर देते हैं, तो उस पर जो डेट मेंशन करी जाती है वही फर्स्ट डे कवर की डेट होती है और वही उस स्टैम्प की भी डेट होती है, तो इस तरीके से वो फर्स्ट डे कवर बन जाता है। सो इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं सिर्फ फर्स्ट डे कवर के बारे में बताया गया, ठीक है? सो इसको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो आई एम नॉट गोना आस्क दिस टू यू, मैं आपको ये होमवर्क में दूंगी और आप मुझे आंसर करके बताओगे। आप देखो यहाँ पे वो क्या बता रहे, दैट नाइट उस रात अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स, बहुत सारे, बट ऑल वर ओल्ड, सारे पुराने थे,
तो कह रहा है मेरे बहुत सारे फर्स्ट डे कवर थे, उन्हीं फर्स्ट डे कवर्स में से मेरे को एक फर्स्ट डे कवर मिला. आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. वो वहां पे नहीं था, बट देयर इट वॉज. लेकिन वो कहीं और था और ये रहा वो. तो एक्चुअली में जहां पर चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर्स को रखता था, एक उनमें से जो फर्स्ट डे कवर था वो गायब था, वो अपनी जगह पर नहीं था और वो कहीं और था. और वो यहां था, कहां था वो भी बताएगा. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. वो वहां था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को मेल किया था वो उनके घर पर गेल्सबर्ग में. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट. और जो एड्रेस लिखा हुआ था एनवेलप में, उसी से ही मुझे ये पता चला कि ये कहां भेजा गया है, ये गेल्सबर्ग. कंप्लीटली शॉक्ड क्योंकि जो फर्स्ट डे कवर उसको मिल नहीं रहा था अपने ओल्ड कलेक्शन में, उस पर लिखा हुआ था कि वो कहां भेजा जा रहा है, गेल्सबर्ग भेजा जा रहा है. तो उसे बड़ी अच्छी बात है भाई, कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1889. और वो वहां पे कब से था, इस डेट से था. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. So, Charlie basically आप लोगों को बताना चाहता है कि मुझे तो बहुत normal सा first day cover दिखाई देता है, साथ जैसे कि वो मुझे हमेशा दिखाई देता है इस तरीके का. स्टैंप वॉज अ 6 सेंट. जो स्टैंप लगा होता है वो कितने का होता है, 6 सेंट का होता है. जब आप स्टैंप लगाते हो ना तो उस पर अलग अलग प्राइजेस लिखे होते हैं कि कौन कितने का है. तो ये 6 सेंट का लगा होता है. इसका कलर डल ब्राउन कलर का होता है, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, है ना. तो अभी आप पीछे पिक्चर अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो कुछ येलो है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है. तो वो थोड़ा सा डल ब्राउन कलर का था. ये एनवेलप ग्रैंडडैड के पास इसके साथ छेड़खानी कौन कर सकता है इस फर्स्ट डे कवर के साथ. जनरली ऐसा ही होता था कि उसके ग्रैंड डैड के पास स्टैम्प्स आते थे और वो उनको अपने कलेक्शन में डाल लेता था. लेकिन उसके दादाजी की जगह का 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894 चार्ली. अब ये लेटर किसको लिखा गया, चार्ली को. गॉट टू विश हिम दैट यू आर राइट. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे हो. आई गॉट टू बिलीव इन यू आर राइट. अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम सही थे. एंड चार्ली इट्स ट्रू. और हाँ चार्ली ये सच है. आई फाउंड द थर्ड लेवल. मुझे तीसरी लेवल मिल गई. आई हैव बीन हियर 2 वीक्स. मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ. एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो. और अभी प्रेजेंट टाइम पर वो कहाँ पे है, एक स्ट्रीट पर है जहां पर कोई क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम. कह रहा है कि सब लोग वहां पर बाहर बैठे हुए हैं, गाना गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड. और मुझे लोगों ने वहां पर लेमोनेड के लिए बुलाया. लेमोनेड क्या होता है, जो आशिकंजी होती है ना, उसको आप लेमोनेड बोलते हो. सो चार्ली यही कहना चाहता है कि गेल्सबर्ग्स वो पहुंच चुका है और वहां पर वो बहुत खुश है, वहां के लोग बहुत ही फेमिलियर है और उनके साथ वो बहुत इंजॉय कर रहा है. इवन उनमें से एक आध लोग तो उसको पार्टीज पर भी बुलाते रहते हैं. कम ऑन बैक चार्ली. चार्ली तुम वापस जरूर आना और लूसा को भी अपने साथ लेकर के आना. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. जब तक तुम्हें थर्ड ढूंढते रहो, क्योंकि मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करती है और थर्ड लेवल तुम्हें जरूर से जरूर मिल जाएगी. सो इन ऑल टोटल अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा,
में कि चार्ली को कैसे पता चला कि थर्ड लेवल, जबकि चार्ली ने तो थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया था ना, लेकिन फिर भी चार्ली को पता चलता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करती है। ये उसे सैम का लेटर कंफर्म करता है। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ कैन यू से दिस सिंपली कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट ऑल्दो चार्ली हैड स्टॉप्ड सर्चिंग फॉर थर्ड लेवल, तो आप कह सकते हो कि नहीं, ही वॉज अगेन स्टार्टेड फाइंडिंग दैट सो बिकॉज ही गॉट द लेटर ऑफ सैम हु वॉज नाउ इन गेलबर्ग एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड ही आस्क्ड हिम टू सर्च फॉर द थर्ड लेवल। ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को? इतना कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो, प्लीज डोंट स्पैम डियर। फिर से कट रही है आवाज? डन, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी तो लास्ट वाले पार्ट पे चलूंगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका, कह रहा है द नोट इज साइंड सैम। अब ये जो लेटर था इस पे एक सिग्नेचर थी और ये सिग्नेचर किसकी थी? सैम की। जैसे ये लेटर लिख दिया और नीचे लिखा हुआ है सैम, वो समझ गया है लेटर उसको सैम ने लिखा, उसके दोस्त ने। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। कहता है कि एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, पहले वो स्टैम्प स्टोर गया फिर वो कॉइन स्टोर गया। जब वो वहां पे गया तो उसे पता चला कि सैम ने वहां पर कुछ करेंसी बदली है लगभग $800 के आसपास, ठीक है, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल। और उसको उसने किस में कन्वर्ट करवाया है? ओल्ड स्टाइल के नोट्स में कन्वर्ट करवाया, ठीक है। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, और इन पैसों से वो क्या करेगा? वो वहां पर एक तरीके से जो हम लोग आज फैक्ट्री सेटअप करते हैं ना, वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, जैसे मुर्गियों को और बाकी जो जानवर होते हैं उनको चारा डालना होता है ना। तो सैम जो कि साइकियाट्रिस्ट है, जो लोगों के मेंटल डिसऑर्डर से डील करता है प्रेजेंट टाइम पे, वो पास में जाकर के क्या करने वाला है? वो लोगों को ना डील करके वो वहां पर मुर्गियों और जानवरों के लिए चारे का बिजनेस स्टार्ट करेगा। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, एज यू कैन सी हियर, He always said that when what he really wished he could do. वो कहता है कि मेरे को सबसे अच्छी फीलिंग यहाँ पर ये आ रही है कि मैंने जो भी सोचा था वो मैं अब कर सकता हूँ। And he certainly can't go back to his old business. और कहता है कि अब मैं श्योर हूँ कि मुझे वापस मेरे ओल्ड बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं यहाँ पे मुर्गियों के लिए चारा और जानवरों के लिए चारा बेच करके ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉयस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर उसको दिमाग में खाली को ये आ रहा है कि अब उसके ओल्ड बिजनेस का क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से सैम बात कर रहा है तो सैम की बातों से ये लगता है कि वो अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा खुश है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट क्यों था जब उसे यही बिजनेस करना था, तो क्यों वहां पर जाकर के वो वापस से साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकता? भाई वहां पे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती नहीं थी, ना वो मेंटल प्रॉब्लम से सफर करते थे और ना उनको किसी भी ऐसे पर्सन की जरूरत होती थी जो कि उन्हें इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाल सके। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन गाइस। यहां पर आपकी स्टोरी एंड हो जाती है और ऑल टोटल हमें स्टोरी से क्या पता चलता है? ये स्टोरी एक तरीके की आप बोल सकते हो फेबल है, दिस इज नॉट रियल, ऑल्दो ये सब चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एक फेबल और मिथ का टच ऐड करके दिया गया है। और राइटर ने हमें समझाने की कोशिश करी है कि जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं अभी, उसमें लिटरली बहुत सारे फर्स्ट, बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकते हैं। लेकिन जनरली लोग इस प्रॉब्लम से एस्केप करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं और जाने की कोशिश करते हैं जहां पर उन्हें खुशियां मिले। सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स। आई होप इतना सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता देना। बाकी मैं जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इसी चैप्टर का। वो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है जो कि आप लोगों को आंसर करना है आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा मैं बोलूंगी विच बिजनेस, ठीक है, वॉज ऑप्ट बाय सैम इन 1894। सैम ने 1894 में जाकर के कौन सा बिजनेस ऑप्ट कर लिया था, आपको ये भी बताना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूंगी। स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर करके बता दीजिए, इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया, और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। एवरीबडी, एनीवन हु वांट टू आस्क एनीथिंग,
ग्रामर बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. सो स्वीट ऑफ यू जानकी, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू हियर. नहीं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ डियर. इट्स ओके जानकी, टेक केयर. Yeah, sure. Even आप regular basis से आपकी Monday, Tuesday छोड़ करके regularly class होंगी. Students, so please be on time. और अगले grain अनाज होता है ना, अनाज जो जानवर होते हैं उनके लिए जो चारा होता है, दाना होता है, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, ये सब जो दाना पानी होता है ना, उसका बिजनेस वो कर रहा है वहाँ पे. पहले के लोग तो यही सब रखते थे ना जानवर. ओके चलो बिल्कुल, अगले सेशन में मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी. सो अगले सेशन में बिल्कुल आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशंस आप लोगों से करूंगी. एंड सून आई विल टेक अ मेंटी क्विज ऑफ योर्स आल्सो. सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.